हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्स्टली डाइल्यूट सॉल्यूशन होता क्या है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें आपके सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो या फिर स्मॉल हो, और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन हो वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो। तो एक बार देख लेते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन डिफाइंड एज सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल। जो अमाउंट है सॉल्यूट की वो कैसी होगी, नेग्लिजिबल, स्मॉल इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट, सो दैट एंथैल्पी एंड वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल। जो आपका एंथैल्पी चेंज है या वॉल्यूम चेंज है वो कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करोगे। जब हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस को पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दीज प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट। वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पर ही क्या हो, डिपेंड हो, उन प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होगी। दीज आर नॉट डिपेंड ऑन केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट एंड द बिहेवियर एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। सो दीज प्रॉपर्टी इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एज यू वेरी वेल नोन, यू ऑल्सो स्टडी इन 12th क्लास दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है वो, फर्स्ट है हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज होती है जो क्या बोलते हैं हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ऑल ऑफ देम आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट। वन बाय वन वी डिस्कस्ड अबाउट। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो आपकी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये आपको किसने दिया था, एक फ्रेंच केमिस्ट था जिसका नाम था फ्रेंकियोज मैरिज रोल्ड्स इन 1886। इसके रोल्ड्स के नाम से इस प्रॉपर्टी में जो लॉ है, जो मेन जो डिफाइन करती है रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर को, उस लॉ को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होती है बोथ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के अंदर। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स क्या होते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट वो सॉल्यूट होते हैं जिनका वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है मिक्सचर का, मिक्सचर मीन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो, वो ज़्यादा हो किससे, प्योर स्टेट ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी। ए बी क्या है आपके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मीन्स क्या है, जो वेपर प्रेशर है आपका मिक्सर का वो ज्यादा होना चाहिए किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट, उनको बोलते हैं हम नॉन, उनको बोलते हैं वोलेटाइल। एंड जिसका वेपर प्रेशर सेम होता है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इक्वल होता है, उनको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दोनों केस की स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट क्या है, रोल्ड्स लॉ इन केस व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल। फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे कि जब आपका जो सोल्यूट हो वो कैसा हो, आपका वोलेटाइल हो। इन द सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन विच सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। मीन्स क्या है कि जो आपकी जो ये डेफिनेशन आप फॉर्मूले से समझ सकते हो, PA इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए। PA क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड पी नोट ए, व्हाट इज पी नोट ए, पी नोट ए या पी नोट बी इज वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर स्टेट ए एंड बी कंपोनेंट, ए और बी कंपोनेंट, जो ए और बी कंपोनेंट इन प्योर स्टेट में, तो उनका वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, पी नोट ए और पी नोट बी। एक्स ए एक्स बी क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की हेल्प से हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आप देखो,
आपको तीन लाइन दिखाई देगी, फर्स्ट टू दो तो दिखेगी आपको डैश लाइन और थर्ड दिखेगी आपको सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन है ये क्या है आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, वेपर प्रेशर किसका पूरे सॉल्यूशंस का। सो पीए क्या है आपका टोटल वेपर, सॉरी पीए क्या है आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, दैट इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए, यू ऑल्सो सीन इन इक्वेशन फर्स्ट। सो पीए एंड पीबी, सो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रही है, दो आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है और वेरिएशन जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। सो पीएस क्या है आपका टोटल वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। पीए एंड पीबी की वैल्यू हम इक्वेशन वन और टू से लेके यहाँ पे पुट करेंगे। सो वैल्यू क्या होगी आपके, पी एस इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। हम अच्छे से जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन है आपका ए और बी इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी के इक्वल होता है, यूनिटी मीन्स वन के। अगर हम यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स ए की वैल्यू क्या होगी वन माइनस एक्स बी। सो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर, जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो पी एस आएगा, पी एस मीन्स टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, दैट इज पी नोट ए वन माइनस एक्स बी प्लस में पी नोट बी और एक्स बी, ये हमारी इक्वेशन आएगी। अगर हम इस इक्वेशन को पी ए को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इक्वेशन क्या आएगी, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी। सो हमारे यहाँ पे एक इक्वेशन आ चुकी है। तो हम अगर हम एक्स बी की वैल्यू, उसमें क्या किया था हमने एक्स ए की वैल्यू को पुट किया था, यहाँ पे हम एक्स बी की वैल्यू को पुट करते हैं, एक्स बी इज इक्वल टू वन माइनस का एक्स ए। सो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे जो फोर्थ इक्वेशन थी, फिफ्थ इक्वेशन ये आएगी, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी एक्स ए प्लस पी बी नोट। सो हमारे दो इक्वेशन आ चुकी हैं फोर्थ और फिफ्थ, उसी की हेल्प से हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था तो उस ग्राफ से हमें कंक्लूड क्या निकला था, क्या कंक्लूजन था, कंक्लूजन ये था कि द सॉल्यूशन विच शो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। सो जो ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे वो किस में काउंट होंगे आपके आइडियल सॉल्यूशन, उनको क्या बोलोगे आप आइडियल सॉल्यूशन। मींस आइडियल सॉल्यूशन कब बिहेव करता है, जब आपका सोल्यूट कैसा हो, वोलेटाइल हो। हमने डिस्कस किया था कि जो रोल्स लॉ है वो दोनों टाइप के सोल्यूट पे डिपेंड करती है, कौन कौन सा वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल पे कैसा बिहेव होगा आपका सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। हम अब केस सेकंड की बात करते हैं, क्या है वो, रोल्स लॉ इन केस ऑफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, जब आपका सोल्यूट कैसा होगा, आपका नॉन वोलेटाइल होगा। केस सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, केस सेकंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिजल्ट देखना इसका। हमने क्या कहा था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इन सोल्यूशन इन टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। सो जब हम इसको करते हैं तो अगर आपका, मैंने बताया था कि जो अगर आपका सोल्यूट है वो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल होगा, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होगा वो किसके इक्वल आएगा, आपका प्योर सोलवेंट के इक्वल। जब ये दोनों वेपर प्रेशर इक्वल आएंगे तो आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनेगा, पी एस टोटल इज इक्वल टू एक्स वन इंटू में पी नोट। एक्स वन जो पी एस टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स वन इंटू में पी नोट। अब हम यहाँ पे ए और बी मेंशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल, दोनों के जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के इक्वल है, तो इसलिए हमने क्या नोट किया है, पी नोट। इसी इक्वेशन सिक्स के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपका ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, लीनियर फॉर्म में आ रहा है। जब ये लीनियर फॉर्म में आएगा तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, आपके इक्वेशन कुछ इस तरीके के बनेंगे, जो x1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस x2 को। सो भाई जो टोटल इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, यहाँ पे हमने x1 की वैल्यू निकाल ली क्या, 1 माइनस x2 p नोट, और आपका जो टोटल है p नोट कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में। सो ps माइनस ps अपॉन में p नोट किसके इक्वल आ गया आपका, 1 माइनस x2 के इक्वल। अब क्या होगा,
वन को कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पर, मतलब लेफ्ट साइड वन को मूव कराएंगे, तो आपका एक्स टू कैसा है यहाँ पे, माइनस का। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन आएगी दैट इज पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एक्स टू। यही जो इक्वेशन, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो आपका वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट के अंदर, उसमें से आप माइनस कर रहे हो, क्या माइनस कर रहे हो, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, और वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल आ रहा है। तो जो आपका जो ये माइनस हो रहा है, जो ये लेफ्ट साइड वाला जो इक्वेशन है p नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इसी को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एंड रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो रोल्स लॉ यही कहता है, इसकी अनदर डेफिनेशन रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर में क्या है, द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन। सो दिस इज द अनदर डेफिनेशन ऑफ द रोल्स ला। सो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, हमें इक्वेशन मिल चुकी है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। बट क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है कि हम कैसे प्रूव करें कि जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सो इसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। आपको पता है जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का वो किसके इक्वल होता है, सोल्यूट या सोलवेंट कोई भी ले लो, अगर आपने एक्स टू को डिनोट किया है तो उसका फॉर्मूला होता है एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। सो एन वन एन टू आर द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड देन वी पुट एक्स टू वैल्यू इन इक्वेशन सेवेंथ। सो आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन वी गेट पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू, दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड एन वन एंड एन टू वट दीज आर द मोल्स। सो हमने भी यही बोला था कि जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके नंबर ऑफ सोल्यूट्स के अंदर। सो ये जो आपका रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन। सो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो आपकी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है ये आपकी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो एक क्वेश्चन और है कि क्या कि हम मोलिकुलर मास को कैसे डिटरमाइन किए, किसका यूज करके, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। हमने इक्वेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमने, लास्ट इक्वेशन यही थी पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन टू अपॉन में एन वन प्लस एन टू। हमने पढ़ा है कि जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसके अंदर आपके सोल्यूट की जो अमाउंट है वो बिल्कुल स्मॉल होती है एज ए कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। मींस क्या है, यहाँ पे आपका एन टू है वो वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू एन वन। सो हम एन टू को क्या कर देंगे यहाँ पे, नेगलेक्ट। जब हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके की आएगी, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू एन टू अपॉन में एन वन। सो ये इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। अब एन क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन में m। W क्या है आपका, वेट ऑफ सोल्यूट या सोलवेंट। हम यहाँ पे किसका वेट निकाल रहे हैं, n2 का। सो n2 क्या है आपका, सोल्यूट। सो अगर हम n2 के वैल्यू निकाले तो वो क्या हो जाएगी आपकी, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर आप यहाँ पे n1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, W1 अपॉन में m1। n1 क्या है आपका, सोलवेंट। सो वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज एक इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू आएगी कुछ ऐसे, p नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्लू टू इंटू में एम वन डब्लू वन इंटू में एम टू। सो ये इक्वेशन आ गई। अगर हमें वैल्यूज नोन हो किसके, p नोट पी एस और w W2 और
W1 की। सो अगर हमें सारी वैल्यूज पता हो तो हम यहाँ से M2 की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मेन एप्लीकेशन यही है कि क्या करता है, ये मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को डिटरमाइन करता है। सो आई होप यू इजिली अंडरस्टैंड द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सो मोर वीडियोज अपडेट, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।